हेलो एवरीवन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन सी द माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर की मैथ्स बुक चैप्टर एलेवन टेबल्स एंड सेयर्स तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं टेबल्स एंड सीअर्स श्यामाज़ गार्डन श्यामा हैज़ प्लांटेड सनफ्लावर रोज़ एंड मैरीगोल्ड प्लांट्स इन हर गार्डन श्यामा ने अपने गार्डन में सनफ्लावर रोज़ और मैरीगोल्ड प्लांट किया सी हैज़ प्लांटेड डैम इन थ्री फ्लावर बैड्स उसने उसे थ्री फ्लावर्स बैड में प्लांट किया हर गार्डन लुक्स लाइक दिस तो उसका गार्डन कुछ इस तरह से दिख रहा था तो देखिए इस तरह से दिख रहा था इस तरह से उसने प्लांट किया ठीक है तो ये देखिए इस तरह से किया तो इसमें एक ही रो है तो इसमें कितना है एटीन प्लांट है उसके बाद देखिए इसमें इसमें जो प्लांट किया तो इसमें है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स रो में इसने प्लांट किया उसके बाद इसमें देखिए इसमें टू रोज में प्लांट किया सी हाउ आई प्लांटेड एटीन प्लांट्स इन ऐच फ्लावर बेड तो देखो मैंने किस तरह से एटीन प्लांट्स हर फ्लावर बेड में प्लांट किया इच फ्लावर बेड हैज़ ए डिफरेंट अरेंजमेंट तो हर फ्लावर बेड में डिफरेंट अरेंजमेंट हुआ है सी हाउ द रोजेज़ आर प्लांटेड अब देखते हैं कि रोजेज़ किस तरह से प्लांट हुआ है एटीन इज़ इक्ल टू सिक्स मल्टीप्लाई थ्री सो देर आर सिक्स रोज विथ थ्री प्लांट्स इच तो देखिए यहाँ पे सिक्स रोज़ हैं जिसमें कि हर एक में थ्री थ्री प्लांट्स हैं तो यहाँ पे ये रोज़ प्लांट है जो आप देख रहे हैं इसमें देखिए हर एक में थ्री प्लांट्स है और ये सिक्स रोज़ में यहाँ पे इसने प्लांट किया है सिक्स रोज़ में ठीक है अब देखिए कि वॉट आर द वेज इन विच द सन फ्लावर एंड मेरी गोल्ड आर प्लांटेड तो अब देखिए किस तरह से कौन से तरीके से सनफ्लावर और मैरीगोल्ड प्लांट किया गया है तो देखिए जैसे कि एटीन इज इक्वल टू एटीन मल्टी वन सो देयर इज़ वन रो विथ एटीन प्लांट्स तो देखिए वन रोज एटीन प्लांट्स तो यहाँ पर जो सनफ्लावर सनफ्लावर जो प्लांट किया गया है तो इसमें वन रोज़ ही है और इसमें एटीन प्लांट है ठीक है उसके बाद देखिए एटीन इज इक्वल टू नाइन मल्टीप्लाई टू सो देर आर टू रोज विथ नाइन प्लांट्स इच तो यहाँ पर देखिए जो मैरीगोल्ड प्लांट किया गया है इसमें टू रोज़ है जिसमें कि नाइन प्लांट है एक रोज में नाइन है दूसरे में भी नाइन है यानी कि टू रोज इसमें किया गया है ठीक है के बाद देखिए यू टू कैन मेक योर आउन गार्डन अब देखिए आपको अपना एक गार्डन बनाना है ड्रॉ ए गार्डन सुइंग फ्लावर बेड्स विथ फोर्टी एट प्लान्ट तो देखिए आपको ड्रॉ करना है गार्डन का ठीक है उसमें आपको फ्लावर बेड्स बनाना है जिसमें कि फोर्टी एट हो होच रो शुड हैव द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स तो आपको ये देखना है कि हर एक रो में जो है ना सेम नंबर ऑफ़ प्लांट्स हो यानी कि सेम हो तो ये आपको खुद करना है कि आप कैसे बना सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे उसने बनाया है एटीन प्लांट का किस तरह से हर एक में अलग अलग रो बनाया तो उसी तरह से आप किस तरह से बना सकते हैं आप चाहे तो आप देखिए एट एट का आप रो बना सकते हैं ठीक है इस तरह से एट एट का रो बना सकते हैं सिक्स रो बनाएंगे तो आपका फोर्टी एट प्लांट्स हो जाएगा तो इस तरह से आप कैसे बना सकते हैं तो ये आप खुद बनाएंगे जार्स इन द सेल्फ अब देखिए जार जार के बारे में पढ़ते हैं भीमा मेड ए सेल्फ फॉर थर्टी जार्स तो भीमा ने एक सेल्फ बनाया थर्टी जार्स के लिए दिस इज़ ए लॉन्ग सेल्फ विथ टू रोज़ तो ये जो है न एक लॉन्ग रोज है ठीक है लॉन्ग सेल्फ है टू रोज़ का इच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ़ जार्स तो हर एक रो में सेम नंबर ऑफ़ जार है तो so, यहाँ पे है जैसे कि ये दो रोज़ है ठीक है तो हर एक में कितना है फिफ्टीन फिफ्टीन है थर्टी जार्स है टोटल तो हर एक में कितना है फिफ्टीन फिफ्टीन है तो कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू मेक ए सेल्फ़ टू कीप थर्टी जार्स तो क्या आप कोई दूसरे तरीके से आप थर्टी जार्स के लिए सेल्फ बना सकते हैं तो देखिए किस तरह से बना सकते हैं आप इसको खुद बनाना है तो जिस तरह से इसने यहाँ पे सेल्फ बनाया था फिफ्टीन फिफ्टीन का तो उसी तरह से आप यहाँ पे टेन टेन का भी आप बना सकते हैं सेल्फ़ ठीक है जिसमें कि थर्टी जार्स होंगे उसके बाद आप सिक्स सिक्स का भी बना सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप बना सकते हैं तो ये आपको खुद बनाना है ड्रॉ इज सेल्फ़ सो हाउ मैनी जार्स यू विल कीप इन इच रो हाउ मैनी रोज़ आर देर तो आपको एक सेल्फ बनाना है जिसमें कि आपको दिखाना है कि आपने कितने जार्स हर एक रोम में आपने कितने जार्स रखे हैं ठीक है और कितने रोज़ हैं हैव योर फ्रेंड्स ड्राउन इट इन डिफरेंट वेज और आपके फ्रेंड्स ने इसे डिफरेंट वेज़ में किस तरह से दूसरे तरीके से किस तरह से बनाया है किस तरह से ड्रॉ किया है तो ये भी आपको देखना है ठीक है देखिए इजी ट्रिक्स अब ईजी ट्रिक्स आई डो नॉट नो द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ सेवन तो मैं नहीं जानता सेवन का मल्टीप्लीकेशन टेबल ये बता रहा है ठीक है बंटी अब देखिए गुड्डू बता रही है आई नो द टेबल्स टिल फाइव बट देर इज़ एन ईजी ट्रिक तो मुझे सिर्फ फाइव तक ही टेबल आता है तो इसके लिए मैं एक ईजी ट्रिक बता रही हूँ आई कैन मेक द टेबल ऑफ सेवन विद द टेबल्स ऑफ टू एंड फाइव तो हम मैं बना सकती हूँ सेवन का टेबल टू एंड फाइव के टेबल से ठीक है ये गुड्डू बता रही है तो अब देखिए कि उसने किस तरह से बनाया है तो यहाँ पे टेबल ऑफ टू पहले हम टू का टेबल पढ़ते हैं तो टू मल्टीप्लाई वन टू टू मल्टीप्लाई टू फोर टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स टू मल्टीप्लाई फोर एट टू मल्टीप्लाई फाइव तो टेन टू मल्टीप्लाई सिक्स करेंगे तो ट्वेल्व होगा टू मल्टीप्लाई सेवन फोरटीन टू मल्टीप्लाई एट सिक्सटीन टू मल्टीप्लाई नाइन एटीन टू मल्टीप्लाई टेन तो ट्वेंटी अब देखिए टेबल फाइव का टेबल पढ़ते हैं तो फाइव मल्टीप्लाई वन फाइव फाइव मल्टीप्लाई टू टेन फाइव मल्टीप्लाई थ्री तो फिफ्टीन फाइव मल्टीप्लाई फोर ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई फाइव तो ट्वेंटी फाइव और फाइव मल्टीप्लाई सिक्स तो थर्टी फाइव मल्टीप्लाई सेवन थर्टी फाइव फाइव मल्टीप्लाई एट तो फोर्टी फाइव मल्टीप्लाई नाइन फोर्टी फाइव फाइव मल्टीप्लाई टेन तो फिफ्टी तो इस तरह से टू का टेबल और फाइव का टेबल आपको पढ़ना है पता है तो अब देखिए सेवन का टेबल किस तरह से बनता है तो इसे क्या किया है यहाँ पे ये वाला जो है ना सेवन का टेबल ऑफ सेवन तो ये दोनों को ऐड कर दिया गया है फाइव प्लस टू सेवन टेन प्लस फोर फोर्टीन फिफ्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी वन ठीक है अब देखिए ट्वेंटी प्लस एट ट्वेंटी एट ट्वेंटी फाइव और टेन थर्टी फाइव और थर्टी प्लस ट्वेल्व फोर्टी टू थर्टी फाइव प्लस फोर्टीन फोर्टी नाइन फोर्टी प्लस सिक्सटीन फिफ्टी सिक्स फोर्टी फाइव प्लस एटीन सिक्सटी थ्री फिफ्टी प्लस ट्वेंटी सेवेंटी तो इस तरह से इसे ऐड करके ये सेवन का टेबल बनाया गया है तो सी हाउ आई एडेड द टू नंबर्स इन द येलो बॉक्सेस टू गेट द टेबल ऑफ़ सेवन तो ये बता रही है कि देखो मैंने किस तरह से टू नंबर्स को ऐड किया ये जो येलो बॉक्सेस हैं उसमें मैंने टू बॉक्सेस को ऐड किया और ये सेवन का टेबल निकल गया ठीक है तो ये बता रहा है कि इट इज़ ईजी कितना ईजी है आई कैन ऑल्सो मेक द टेबल ऑफ़ सेवन विद द टेबल्स ऑफ फोर एंड थ्री तो मैं भी बना सकता हूँ सेवन का टेबल फोर एंड थ्री के टेबल से अब देखिए फोर एंड थ्री के टेबल से ये सेवन का टेबल बना रहा है तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे फोर का टेबल आपको पढ़ना है ठीक है फोर मल्टीप्लाई वन फोर फोर मल्टीप्लाई टू एट फोर मल्टीप्लाई थ्री ट्वेल्व फोर मल्टीप्लाई फोर सिक्सटीन फोर मल्टीप्लाई फाइव ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई सिक्स ट्वेंटी फोर फोर मल्टीप्लाई सेवन ट्वेंटी एट इसके बाद फोर मल्टीप्लाई एट थर्टी टू थर्टी टू उसके बाद फोर मल्टीप्लाई नाइन थर्टी सिक्स फोर मल्टीप्लाई टेन फोर्टी तो ये फोर का टेबल हो गया ठीक है अब यहाँ पे थ्री का टेबल फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे तो थ्री मल्टीप्लाई वन थ्री थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन थ्री मल्टीप्लाई फोर ट्वेल्व थ्री मल्टीप्लाई फाइव फिफ्टीन थ्री मल्टीप्लाई सिक्स एटीन थ्री मल्टीप्लाई सेवन ट्वेंटी वन ठीक है यहाँ पे ट्वेंटी वन हो जाएगा आपको अच्छे से लिखना है इसे उसके बाद है थ्री मल्टीप्लाई एट ट्वेंटी फोर थ्री मल्टीप्लाई नाइन ट्वेंटी सेवन थ्री मल्टीप्लाई टेन थर्टी ठीक है तब इस तरह से ये फोर का टेबल और थ्री का टेबल हो गया ठीक है अब यहाँ पे देखिए इसे ऐड करना है इसी तरह से जैसे ऊपर ऐड हुआ था उसी तरह से यहाँ पे ऐड करके अब सेवन का टेबल निकल जाएगा तो देखिए सेवन फोर और थ्री फोर और थ्री को ऐड करेंगे तो सेवन सिक्स और एट को ऐड करेंगे तो फोर्टीन नाइन और ट्वेल्व को ऐड करेंगे ट्वेंटी वन ठीक है इसे ऐड करेंगे तो ट्वेंटी एट तो देखिए इस तरह से ये सारा टेबल जो है ना आपको यहाँ सेवेंटी तक आप सारे को ऐड करेंगे तो सेवेंटी तक निकल जाएगा तो इस तरह से आप और भी बना सकते हैं टेबल ठीक है तो इस तरह से आपको बना लेना है इसके बाद देखिए हाउ मैनी कैट्स तो कितने कैट्स हैं सम ऑफ गायत्रीज़ कैट्स वे आर प्लेइंग इन ए बॉक्स तो कुछ गाय गायत्री के कुछ कैट्स बॉक्स में खेल रहे थे वैन सी ट्राइड टू काउंट ऑल सी कूड सी वेअर लेग्स तो देखिए उसने उसे काउंट करने की जब उसने उसे कोशिश uh, की उसे काउंट करने की तो उसने सिर्फ उसका लेग्स ही देखा सी काउंटेड ट्वेंटी एट लैक्स तो उसने ट्वेंटी एट लैक्स काउंट किए हाउ मनी कैट्स आर देयर इन द बॉक्स तो अब कितने कैट्स हैं बॉक्स में तो so, यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे कैट्स हैं तो so, इसमें ट्वेंटी एट लैक्स हैं ठीक है so, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट यानी कि टोटल ट्वेंटी एट लैक्स हैं ठीक है एट लेग्स मीन टू कैट्स यानी एट लेग्स का मतलब क्या हो गया टू कैट्स तो देखिए वन लेग्स का मतलब वन कैट्स का मतलब कितना हो गया अगर फोर लेग्स है फ़ोर लेग्स है तो कितना कैट हो गया वन कैट ठीक है वन कैट हो गया तो ऐट लेग्स मीन टू कैट तो ट्वेल्व लेग्स मीन थ्री कैट्स ठीक है अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है हाउ मनी लेग्स तो कितने लेग्स हैं हाउ मैनी कैट्स तो कितने कैट्स हो जाएंगे तो इस तरह से बनाना है तो हाउ मैनी लेग्स फोर लेग्स अगर है तो वन कैट एट लेग्स है तो टू कैट ठीक है ट्वेल्व है तो थ्री कैट ठीक है उसके बाद इसी तरह से इसे बनाना है उसके बाद कितना हो जाएगा अगर सिक्सटीन है तो फोर कैट ठीक है उसके बाद ट्वेंटी है तो फाइव कैट अब देखिए ट्वेंटी फ़ोर है तो कितना हो जाएगा सिक्स कैट ट्वेंटी एट है तो सेवन कैट ठीक है उसके बाद अगर थर्टी टू है तो एट कैट ठीक है अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सो ट्वेंटी एट लैक्स मीन कितने कैट्स हो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ट्वेंटी एट लैक्स अगर है ट्वेंटी एट लैक्स तो कितने कैट हो जाएंगे सेवन कैट तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेवन ठीक है उसके बाद देखिए बिल्लो हैज स्किप्ड हिज चिकन इन ए बॉक्स तो बिल्लो जो है ना, वो एक बॉक्स में चिकन को रखा रखा है ही काउंटेड ट्वेंटी एट लैक्स तो उसने ट्वेंटी एट लैक्स काउंट किए हाउ मैनी चिकन्स आर देयर तो कितने चिकन्स थे वहाँ पे तो कितने हो जाएंगे फ़ोटीन चिकन्स तो क्योंकि एक चिकन के कितने होते हैं टू लैक्स होते हैं तो ट्वेंटी एट लैक्स थे तो कितने हो जाएंगे फोर्टीन चिकन्स हो जाएंगे ठीक है लीला हैज़ नॉट टू स्कूल फॉर ट्वेंटी वन डेज़ तो लीला जो है ना ट्वेंटी वन डेज़ के लिए स्कूल नहीं गई थी फॉर हाउ मनी वेक्स वॉज सी अवे फ्रॉम स्कूल तो कितने वीक्स वो स्कूल से दूर रही तो थ्री वीक्स वो दूर रही ठीक है तो देखिए वन वीक में कितने होते हैं सेवन डेज होते हैं ठीक है तो वन वीक में सेवन डेज होते हैं तो यहाँ पे कितना है ट्वेंटी वन डेज तो ट्वेंटी वन डेज कितना हो जाएगा यानी कि थ्री वीक्स हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से इसे हम बनाएंगे तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसे आप अच्छी तरह से पढ़िए रिवीजन कीजिए आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे मैं आपको बताऊँगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू वॉच माई वीडियो